नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे 12th of June के मैसेजेस पढ़ने से पहले मैं उन लोगों को विश करना चाहती हूँ जिनका जन्मदिन 12th of June को है। अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। आई डू होप एंड प्रे दैट ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेज कम ट्रू। आइए तो देखते हैं 12th of June के लिए हम सब के लिए क्या मैसेजेस हैं। आर्क एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर द जनरल कलेक्टिव फॉर द 12th of June 2020। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। द ओवरऑल एनर्जी जो 12th of June के लिए है वो है द स्टार की एनर्जी है। कल का दिन 12th of June का जो दिन होगा वो हीलिंग के लिए होगा, रिकन्सिलिएशन के लिए होगा। आपके लाइफ में जो चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस कल आपके लाइफ में काफ़ी आएंगे। अगर आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। विश्वास का कार्ड है, फेथ का कार्ड है, होप का कार्ड है। तो कल 12th of June का जो दिन होगा वो एक बहुत पॉजिटिव दिन होगा। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन आपके साथ होंगे। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन होगा। अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है ये ओवरऑल एनर्जी के लिए, स्टार कार्ड। लव और रोमांस के लिए है द किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है, सच्चाई की एनर्जी है, डिसिप्लिन की एनर्जी है। तो शायद आप लोग आपके लव रिलेशनशिप में, प्यार में कुछ डिसिप्लिन चाहेंगे, कुछ मेंटल क्लैरिटी चाहेंगे, कुछ सच्चाई चाहेंगे। अगर कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं जहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है, तो कल का दिन जो है उसमें आपको आपके लव के बारे में काफ़ी मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। आप और आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे कुछ डिसिप्लिन, कुछ कंट्रोल अपने रिलेशनशिप में लाने के लिए। डायरेक्शन का भी कार्ड है, तो शायद आप मेंटली डिसाइड करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आप लोगों को आगे कैसे बढ़ना है। बिजनेस करियर और फाइनेंस के लिए है द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है, मूविंग टू कामा वाटर्स है। अगर आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेंशन है, तो कल का दिन आप वो टेंशन का या वो मसले का आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और आपके कलीग्स, आपका टीम इकट्ठा एक डिसीजन लेगा और उसकी तरफ जाएंगे। पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप नया जॉब लेने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई जॉब छोड़ के आगे जाएं और समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स का जब कार्ड होता है तो उसका वही मतलब है कि अगर आप यहाँ से आगे निकलोगे तो आगे की पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर बिजनेस करियर एंड फाइनेंस। ऑलराइट, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसका आप जवाब चाहते हैं तो अब हम एंजल से उनका आंसर आपके लिए मांगेंगे। आप आपके क्वेश्चन के बारे में सोचें एंड डिवाइन विल गिव यू द आंसर। आंसर इज़ अपॉर्चुनिटी। तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपको एक चांस मिलेगा या एक ओपनिंग मिलेगी जिससे आपके आंसर का आपको आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। ऑलराइट, पावर ऑफ सरेंडर से पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो कल के लिए 12th of June के लिए अगर हम अर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे तो हमारे लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी हीलिंग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बैलेंस की तरफ। एक चीज़ जो हम सरेंडर करना चाहते हैं, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। वी आर ऑल
वी ऑल हैव मैजिक इन अस. इवन इन द मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रिमेंबर दैट यू आर अ मैजिकल बींग विद अ यूनिकनेस एंड वर्थ दैट कम्स फ्रॉम जस्ट बींग यू. तो इसका ये मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी जो हो रहा है हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे में जादू है, हमारे में इतनी दिव्य शक्ति है, हमारे में बहुत पावर है. और हमारा पावर क्या है कि हमारे जैसा दूसरा इस दुनिया में नहीं है. और हमारा जो ये यूनिकनेस है, हमारा ये जो द फैक्ट कि हम ये दुनिया में हमारे जैसा और कोई नहीं है, एक और अदिति नहीं है जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके जैसा एक और दुनिया में और कोई नहीं है. और वो आपकी यूनिकनेस है, वो आपको स्पेशल बनाता है और वही आपका जादू है. तो अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप किसी लोगों से कम हैं, या आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके आपको अगर बुरा फील होता है, तो कार्ड आप डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है और वो कितना स्पेशल है. तो उसको बिलीव करें और उसी में अपना स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर 12th ऑफ जून. आई होप कि ये मैसेजेस से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिले. एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट. Those who are here to listen to the messages in English, the overall energy for the 12th of June is the star. This is such a fantastic card to get. Star is all about hope, faith, healing, reconciliation, wishes coming true. So whatever you are hoping for, that you were wanting to begin, we're waiting results for. Tomorrow is going to be a day that is going to bring in a lot of positivity to you. A lot of faith, a lot of healing, a lot of hope. In a positive way. Such a fantastic card. In love and romance, we have the King of Swords. King of Swords is someone who's all about being practical, who's all about being disciplined, who's all about speaking the truth, who's all about, you know, setting norms, setting systems, putting things into place. So if you are struggling in your love life where you don't know where your love life is heading, or, you know, y'all are being taken for granted, or there is no direction, there is no consistency, probably tomorrow is a day where you and your partner would put some systems in place, where you would set some routine to your relationship, would set some boundaries to your relationships, hoping that the relationship will get stronger. Very nice card. In business, career and finance, you have the Six of Swords. Six of Swords is the energy of moving towards calmer waters. So if there is some situation in your workplace which was making everybody uncomfortable, or you all were not unsure how to move ahead, tomorrow is a day where you will find answers to your questions and you all will decide to move towards calmer waters. This also would imply that there would be a spirit of, a team spirit in your organization, where there is a joint decision taken towards taking your business in a positive way ahead. Very nice cards. All right. So if there's anything that you need an answer for, ask the question and we will see what answers the angels have for you. The answers that the angels have for you is opportunity. Such a lovely card. So I think the opportunity is going to be presented to you. Keep your eyes and ears open if an opportunity does come, which will help you, lead you to what you were wanting to do, take up that opportunity. From the power of surrender, one thing that you need to surrender for tomorrow is surrender to the magic of who you are. We all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that comes from being just you. How special is that? Just the fact that there is nobody like you in the whole wide world is such a unique thing, and that is your speciality, right? That is your uniqueness, that is your magic. So please do keep this in mind, and I hope you have a fantastic day. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I'm going to see you in your tomorrow's reading. Thank you so much.